भारत सिर्फ एक देश नहीं है, ये एक ज्ञान संस्कृति की विरासत है। हमारे इस भारत देश में कई बड़े महान देवी देवताओं और ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है, जिन्होंने अपने तेज से बड़े बड़े कारनामे किए हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि इन ऋषियों में एक ऐसे ऋषि भी थे जिनकी तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने जब एक अप्सरा को भेजा, तब उस ऋषि ने उस अप्सरा के साथ 1000 साल तक संभोग किया था। कौन थे वो ऋषि, क्या है ये पूरी कथा, जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे, साथ ही नीचे दिए घंटी के बटन को दबाना ना भूले। आइए शुरू करते हैं पूरी कथा। जहाँ कभी भी अप्सराओं का नाम आता है, वहाँ पर स्वतः ही इंद्र देव का भी नाम आता है। ये बात वेद पुराणों में भी वर्णित है कि इंद्र स्वर्ग के देवता थे और अपने काम निकालने के लिए छल और कपट करने से भी बाज नहीं आते थे। एक बार ऐसा ही हुआ जब ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि कंडू गोमती नदी के किनारे घोर तपस्या कर रहे थे, तब उनकी तपस्या से घबराकर और दुखी होकर इंद्र ने अत्यंत सुंदर अप्सरा प्रम्लोचा को चुना और ऋषि कुंडी के तपस्या भंग करने के लिए भेजा। प्रम्लोचा बला की खूबसूरत थी, उसके तीखे नयन नक्श के आगे ऋषि कंडू की एक नहीं चली और वे प्रम्लोचा के सम्मोहन में डोल गए। अब ऋषि कंडू पूजा पाठ और तपस्या भूलकर पूरी तरह से गृहस्थ आश्रम के मोह में फंस गए और अपनी कड़ी तपस्या भंग कर बैठे। योजना के अनुसार इंद्र और प्रम्लोचा का काम हो चुका था। अब प्रम्लोचा स्वर्ग वापस लौटना चाहती थी, लेकिन प्रम्लोचा के प्रेम में ऋषि कंडू ऐसे डूबे कि उन्होंने उसे कहीं जाने ही नहीं दिया। लेकिन प्रम्लोचा अब किसी भी तरह स्वर्ग लौटना चाहती थी, लेकिन वो कंडू के श्राप से भी डरती थी, इसलिए चाहकर भी कहीं जा नहीं सकती थी। फिर एक दिन अचानक ऋषि कंडू को अपनी पूजा पाठ और तपस्या याद आई, तो वे अपनी कुटिया से निकलकर बोले कि अब मैं पूजा पाठ के लिए जा रहा हूँ। तब प्रम्लोचा बोली, इतने सालों में आज आपको साधना सूझी है, इतने दिन से तो आप गृहस्थ आश्रम ही जी रहे थे। ऋषि कंडू बोले, तुम सुबह ही आई हो और मुझे साधना और तपस्या के बारे में बता रही हो। तब प्रम्लोचा ने इंद्र के बारे में सब सच बताया और कहा कि मुझे यहाँ आए हुए पूरे 907 साल हो चुके हैं। ये सुनकर ऋषि कंडू कहने लगे कि धिक्कार है मुझे अपने आप पर, मेरी सारी साधना और तपस्या भंग हो गई। बाद में ऋषि कंडू को अपनी स्थिति का भान हुआ और उन्होंने अप्सरा का त्याग कर फिर से तपस्या करना आरंभ कर दिया। तो दर्शकों, कैसे लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।